हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं ये यम्मी पास्ता बनाने जा रही हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। डेढ़ कप हम पास्ता लेंगे, दो कप पानी लेंगे और उसमें हाई फ्लेम पर थोड़ा उबलने देंगे पानी को। उसके बाद उसमें पास्ता डालेंगे और मुलायम होने तक इसे उबालेंगे। पास्ता सॉफ्ट हो चुका है, इसका पानी छानकर अलग कर लेंगे। ये पानी छानकर अलग कर लिए हैं, काफी अच्छा हुआ है, सब अलग अलग है एक दूसरे से। एक पैन लेंगे, उसमें हम दो चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे। इसमें आप बटर भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें हम बारीक कटा हरा मिर्च डालेंगे। इसके बाद लहसुन अदरक का एक चम्मच पेस्ट लेंगे, थोड़ा सा इसे भूनेंगे। इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट जब लाल हो जाए तो इसमें हम प्याज को डाल देंगे। दो बड़े प्याज लिए हैं मैंने, से बारीक काट लिए हैं। अब इसे ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम दो बड़े कटे टमाटर के डालेंगे, ये मैंने बारीक काट लिए हैं। अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। टमाटर और प्याज अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे हम नमक अपने स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पास्ता मसाला और थोड़ा सा मिर्च। अगर ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें मिर्च ना डालें, कम डालें। इसे अच्छे से फ्राई कर ले डालने के बाद। अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से रेडी हो चुका है, अब इसमें हम पास्ता को मिक्स करेंगे। पास्ता को डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे हम मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम धनिया की पत्ती डालेंगे, ये मैंने बारीक काट लिए हैं। आप देख सकते हैं ये बनके रेडी हो चुका है, कितना टेस्टी लग रहा है। आप इसे एक बार जरूर बना के ट्राई करें